तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो दोस्त का कहानी। दो दोस्त का कहानी है। कहानी का शीर्षक है दो दोस्त। मदन और अमर मित्र थे। मदन और अमर क्या थे? मित्र थे। वे घर जा रहे थे। वे दोनों क्या कर रहे थे? घर जा रहे थे। घर के रास्ते में जंगल था। घर के रास्ते में क्या था? जंगल था। देखिए दोनों लड़का मदन और अमर जा रहा है ना एक साथ में घर, और रास्ते में वो जंगल पार कर रहा है। ठीक, अचानक उनके सामने भालू आ गया। क्या हुआ? अचानक उनके सामने भालू आ गया। देखिए कुछ दूर पर भालू दिखाई दे रहा है ना, एक भालू है बगल में। दूसरा चित्र में देखिए क्या दिया है। मदन पेड़ पर चढ़ गया। भालू को देख करके मदन क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया। अमर नीचे रह गया। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। मदन को पेड़ पर चढ़ना आता था, तो मदन पेड़ पर चढ़ गया। मदन कहाँ है? पेड़ पर। जो लड़का है उसका नाम है मदन, और नीचे जो है वो अमर है। अमर को पेड़ पर चढ़ना, पेड़ में चढ़ना नहीं आता था। और बगल में देखिए भालू आ रहा है हमला करने उस पर। तीसरा चित्र में अमर सांस रोक कर जमीन पर लेट गया। देखिए मदन कहाँ है? पेड़ पर है। और अमर का तो दूसरा कुछ उपाय नहीं था, वो सांस रोक करके जमीन पर लेट गया। भालू अमर को सूंघ कर चला गया। भालू सूंघ लिया बढ़िया से कि जिंदा है मरा हुआ है। सांस रोक दिया था, जो सांस रोक देता है तो मुर्दे बन जाता है, तो मुर्दा बन गया वो सांस रोक करके। भालू सूंघ करके चला गया। भालू क्या करता है? मुर्दा पर हमला नहीं करता। चौथा चित्र में क्या दिया है? मदन पेड़ से नीचे उतरा और बोला। मदन क्या किया पेड़ से? जब भालू चले गया तब मदन पेड़ से नीचे उतरा और बोला। किससे बोला? अमर से। मित्र, भालू क्या कह रहा था? किससे पूछा? अमर से। मदन ने, मित्र भालू क्या कह रहा था? अमर बोला, वह कह रहा था मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मुसीबत में कैसे काम लेना चाहिए? सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और कहानी और लंबा इसमें इस संक्षेप में दिया है, उसमें और लिखा रहता है कहानी में कि यही कहता है कि जो सच्चा मित्र रहता है मुसीबत में छोड़ करके नहीं भागता है। अगर वो समझदारी रहता तो इसको भी बचाता ना, पेड़ पर खींच लेता उसको भी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इन्हें जब छोड़ दिया तो हम रोने लगे और दौड़ने लगे, तब तो भालू उसको फाड़ देता ना, खा जाता मार के। तो इससे क्या हुआ? इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है, हमें मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कितना बड़ा मुसीबत आ जाए।